लोकसभा चुनाव के बाद से ही कर्नाटक में सियासी उठापटक जारी है। एक तरफ बीजेपी कुमार स्वामी की सरकार गिराने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और जेडीएस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहीं सबके बीच आज कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस ने अपनी राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। क्या कर्नाटक में गिर जाएगी कुमार स्वामी की सरकार? क्या बीजेपी सूबे में चला रही है ऑपरेशन लोटस? क्या खरीद फरोख्त का खेल खेल रही है बीजेपी? ये तमाम आरोप सूबे के सीएम कुमार स्वामी ने लगाए हैं। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी ने उनकी पार्टी के एक विधायक को घूस देने की कोशिश की। रामनगर के एक गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कुमार स्वामी ने कहा कि सरकार गिरने के लिए निरंतर प्रयास हो रहा है और कौन इसके पीछे है वे उसे जानते हैं। उन्होंने कहा कि उनके विधायक ने उन्हें बताया है कि बीजेपी नेताओं ने उन्हें 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है और साथ ही साथ ये भी दावा किया है कि कांग्रेस जेडीएस के 9 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और इसीलिए सूबे में जल्द ही गिरने वाली है कांग्रेस जेडीएस की सरकार। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता जी मधुसूदन ने मुख्यमंत्री के आरोपों को खारिज कर दिया है। वैसे एक तरफ जहां गठबंधन सरकार को ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे की कांग्रेस इकाई में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसलिए तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने बताया कि गुंडूराव अभी भी केपीसीसी अध्यक्ष बने रहेंगे। वह अब जल्द ही नए कार्यकारिणी का गठन होगा। वैसे एक तरफ जहां सूबे में कांग्रेस खुद को संभालने में लगी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार को गिराने की कोशिशों में जुटी है। ऐसे में अब किसकी जीत होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।